बिल्ला, यू आर गोइंग टू डाई। ये डिलीवरी तो कोई और भी कर सकता था, पर मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम्हारी जान ले सकूं। इसे बोलते हैं चेस गेम। एनी लास्ट विश? बिल्ला, इंडिया, रशिया, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, 11 मुल्कों की पुलिस का इसने जीना हराम कर रखा है, इंक्लूडिंग अस। मलेशिया में इसने अपना मेन बेस बनाया, ड्रग्स स्मगलिंग, किडनैपिंग, वेपन्स बिजनेस, बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, सारे इलीगल कामों में इसने पीएचडी कर रखी है। गैर कानूनी धंधों का यह बेताज बादशाह है। हमने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार ये हमें चकमा देकर निकल गया, समझ ही नहीं पाए कि किस तरह। एनी हाउ, दिस इज हिज गैंग। लीजा, बिल्लाज गर्लफ्रेंड। रंजीत, बिल्ला का राइट हैंड। विक्रम, रिकी, मार्क, ब्रिटनी एंड स्टीव। वी हैव टू कैच ऑल ऑफ देम। 2 साल से मैंने इस केस में दिन रात एक कर दिए हैं, फिर भी हम बिल्ला तक पहुंच नहीं पाए। मैं और मेरे इन्फॉर्मर्स इसे एक्सपोज करने में अभी भी लगे हुए हैं। इसे हमारे हर मूव के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। द गाय इज वेरी स्मार्ट। ही इज क्लेवर देन अ फॉक्स एंड स्ट्रॉन्गर देन अ लायन। चीते से ज्यादा फुर्तीला। और सांप से ज्यादा खतरनाक। इंटरपोल भी अब इन्वॉल्व है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। मलेशियन पुलिस का भी हमें फुल सपोर्ट मिलेगा सर। थैंक यू ऑल। होम मिनिस्टर। हाँ बोलो जानकी। सुनिए जी, पूजा कर रही हूँ, घंटी की आवाज के साथ श्री राम बोलिए। रामा रामा, तुम क्या मुझसे ऑनलाइन पूजा करवाना चाहती हो? अरे पूजा पूजा होती है, श्री राम बोलिए तो सही। अच्छा ठीक है भाई, श्री रामा श्री राम। टाइम पर खाना खाना, बर्गर पिज्जा रोज मत खाना, फ्रूट जरूर खाना। हाय डैडी, मम्मी चाहती है कि आप खाना पकाना भी सीख लो। सही कह रहे बेटा। लाला ले। सुनिए जी,
मेरी छोटी बहन विद्या है ना, उसकी शादी तय हो गई। आप बड़े दामाद हैं, आपके बिना शादी नहीं होगी। 1 अप्रैल का मुहूर्त निकला है, मेरे लिए मलेशियन साड़ी लेकर आना। मैं साड़ी तो ले आऊंगा, पर श्रीराम से एक प्रार्थना करनी होगी कि मैं अपने ट्रांसफर होने से पहले बिल्ला को पकड़ दूं। वही बिल्ला जो अमिताभ ने कूली में लगाया था? बिल्ला के बारे में क्या पर्सनल ओपिनियन है? सर वो बेरहम है, मुझे पसंद नहीं। मुझे तो बहुत पसंद। कानपुर के गिद्वई नगर में जन्मा और वहीं के लालू आश्रम में पला बढ़ा। क्राइम की दुनिया में आज उसने टॉप कर लिया। ही इज ग्रेट। कम से कम उसकी वजह से 11 मुल्कों की पुलिस हमेशा बिजी तो रहती है। वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, एक दिन वो मेरे शिकंजे में होगा। माय इन्फॉर्मर्स आर एट वर्क, बट हमें चौकन्ना रहना होगा। जानते हो क्यों? डर को भी डरा दे बिल्ला वो शख्स है। मुझे वो लिस्ट फौरन चाहिए। ओके सर। या एक मिनट। हेलो सर, एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? मिलना चाहते हो? नहीं सर, मैं अभी मिल नहीं सकता। कोई खबर? बिल्ला के ऊपर भी कोई और है, ये हमें पता चल गया है। कौन है वो? डेविल। कौन डेविल? हमारे लिस्ट में तो उसका नाम नहीं है। वो रहता कहाँ है? वो कहाँ रहता है, कौन है, हमें कुछ नहीं पता। बस कभी कभी बिल्ला और उसके असिस्टेंट रंजीत को मैंने डेविल से फोन पर बात करते हुए सुना है। लगता है कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। सर एक और जरूरी बात, बिल्ला के पर्सनल चेंबर में एक कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर में इस प्लान की सारी डिटेल्स और साथ ही दुनिया भर के काले काम करने वालों के कॉन्टैक्ट्स हैं। उसका कंप्यूटर हैक करके डिटेल्स मुझे भेज दो। सर इतना आसान नहीं है। कंप्यूटर का एक पासवर्ड है जो सिर्फ बिल्ला और रंजीत को ही पता है, पर उसमें क्या क्या है ये मैं सब जानता हूँ। बल्कि मैंने वो सारी जानकारी एक मेमोरी कार्ड में सेव करके रखी है। आई विल सेंड यू द मेमोरी कार्ड। ओके, मैं इंतजार करूंगा, बाकी डिटेल्स मिलने के बाद दूंगा सर। ओके डैनी। डेविल, लगता है इसके माँ बाप को पुरानी फिल्में देखने का बहुत शौक था। I never miss. बिल्ला अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता और ना ही बिल्ला कभी किसी का टारगेट बनता है। पहली बार पुलिस ने बिल्ला को टारगेट किया है। बिल्ला कल मिलेंगे। I'll leave now. Wait and watch. Vikram, check it. बिल्ला का उसूल है, जब कोई रूल तोड़ता है तो वो दुनिया छोड़ता है। सॉरी डैनी, यह हमारा काफी भरोसेमंद इन्फॉर्मर था, शायद उसे इसकी भनक लग गई थी। डैम इट बिल्ला। बिल्ला को इसके बारे में पता कैसे चला होगा? इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट में बिल्ला का आदमी मौजूद है, पैसों के लिए मुंह खोल दिया होगा। कौन है वो आस्तीन का सांप? सर बंद करो। अरे गाड़ी तो बहुत अच्छी बनी। टाइमेक्स है? नहीं सर,
रोलेक्स। रोलेक्स? ये तो बहुत महंगी होती है ना। लेकिन तुम्हारी सैलरी तो मुझसे 20,000 कम है। गिफ्ट मिली है सर। गिफ्ट? कितने लाख की है? यही कुछ 15 लाख की। एनीथिंग मोर? उपमा, ओनली उपमा। क्या यार, कहते हैं दुनिया में हर इंसान के 7 हमशक्ल होते हैं, लेकिन इनकी दुनिया में तो 700 हमशक्ल है। बीजू, व्हाट लो चुरे? हाँ बॉस, इसकी शक्ल देखिए, उपमा खा खा के उपमा जैसी बन गई है। बाप रे, अब तक 12 प्लेट उपमा खा चुका है। अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, फ्रिज में बासी पड़ा है, गर्म करके दे दे। वही खिला रहा हूँ। सुप्रभात एसीपी सर। सर सब ठीक ना? सब ठीक है, तुम कैसे हो? बस आपकी दुआ है सर। क्या सर, पिछले 1 हफ्ते से आप यहाँ पर आए ही नहीं। तपस्या? तपस्या? हमारा डिपार्टमेंट बिल्ला को पकड़ने के लिए तपस्या कर रहा है, लेकिन कोई फल ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कुछ देर तपस्या से ब्रेक लेके तुम्हारे यहाँ पेट पूजा ही कराऊं। मोस्ट वेलकम सर। बिजू, सर के लिए फ्रेश इडली तड़का मार के। हां ओके बॉस। एनी इंफॉर्मेशन? छोटी छोटी मछलियाँ तो यहाँ आती हैं, लेकिन बड़ी मछली नहीं दिखाई दी। सर आपके मगरमच्छ का नाम क्या है? बिल्ला। ना, उसके बारे में कोई खबर नहीं है सर। मिलेगी, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आई एम श्योर अबाउट इट। नहाते वक्त भी वेपन साथ में? वेपन और वुमन से मेरा बचपन का यारना है, दोनों की कब जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। रिस्क? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। दे दो, लो पकड़ो। बिल्ला, I will die for you. Nice. अब जाके मुझ पर विश्वास हुआ? तुम पर विश्वास था इसीलिए तो तुम अब तक जिंदा हो। इंसानों पर भरोसा करता हूं, पर उनके अंदर के जानवर पर नहीं। तो जानवर पना दिखाऊं? विक्रम, What happened विक्रम? यह है पासपोर्ट और टिकट। फ्लाइट कल रात को 2 बजे की है, तुम 1 घंटे पहले पहुंच जाना, मैं सीधे एयरपोर्ट पे मिलूंगा, ओके? Why? ऐसा क्या हो गया विक्रम? तुम नहीं समझ पाओगी प्रिया, बिल्ला और उसकी गैंग को छोड़ना इतना आसान काम नहीं। अगर उसे पता चल गया मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ, आई कांट एक्सप्लेन यू। इतना याद रखो कि अब से तुम मुझे कॉल नहीं करोगी, ओके? तुम आओगे ना? I will be there. Don't worry, Priya. I love you so much. I love you too. Bye. इन्फॉर्मेशन मिली है कि विक्रम हमारी गैंग को छोड़कर जा रहा है। जाने दो। जाने दो? क्या है बिल्ला? उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है। वजह जानने के बावजूद भी? बिल्ला सब जानता है, पर सुधरने का एक मौका देता है। बिल्ला का बचपन से एक उसूल रहा है, जब कोई रूल तोड़ता है तो वो दुनिया छोड़ता है। टैक्सी। एयरपोर्ट।
विक्रम, 7 साल से हम साथ में हैं। अचानक भागने की वजह कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? एनीवे, अब जब प्यार कर ही लिया तो उसे निभाना भी तो पड़ेगा। मैं तुम्हें फोन पर बधाई देना चाहता था, फिर सोचा कि पर्सनली मिलकर अलविदा कहूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। टेक केयर। सिर्फ तुम कर सकता और कोई भी नहीं। बिल्ला मेरा ये काम करेगा ना? पुलिस तुम्हारा स्वागत करने आ गई है। जब भी पुलिस के साथ रेस होती है, तुम बच के जा नहीं सकते। जीत बिल्ला की ही होती है। पुलिस को मैंने बुलाया है। इसका अंदाजा मुझे पहले से ही लग गया था। तुम वजह नहीं जानना चाहते? और क्या वजह हो सकती है? इन्फॉर्मर। बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे प्यार को मार दिया, मेरे विक्रम को मार डाला। अब तुम मरोगे। ओ विक्रम, तो तुम उसकी लवर हो जिसके लिए उसने ये दुनिया छोड़ दी। जो बिल्ला का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। मेरे बिजनेस में एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है। बिजनेस? जान लेना बिजनेस है। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो बिल्ला, बाहर आ जाओ। उसमें बुलेट नहीं है। बुलेट के साथ 1.900 ग्राम्स, विदाउट बुलेट 1.100 ग्राम्स। लड़कियां भी गन की तरह होती हैं, कभी भी धोखा देती हैं, जैसा तुमने दिया। बैड लक। बिल्ला हमेशा एक कदम आगे की सोचता है। सैर करने चलें बेबी। हेलो मिस्टर कृष्णमूर्ति, पहली बार आपको देखा। अब जेल में रोज देखोगे, तुम भाग नहीं सकते। भाग सकता हूँ। गुड वर्क एसीपी, आप जैसा ईमानदार पुलिस वाला आज पहली बार देखा। ये मस्कागिरी बंद करो। सर, लड़की की जान खतरे में है, इसे जाने देते हैं सर। डोंट वरी, पिस्तौल से गोली निकालने के बाद ही प्रिया ने मुझे बुलाया है। शेर का शिकार करने के लिए हिरन को भेजा, कर देना गलती। रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता एसीपी। चलाओ गोली। बिल्ला हाजिर है। रात बहुत हसीन गुजरी जाने मालूम। Mr. Dharmendra, Bella is growing big. He's spreading his wings from Malaysia. He's becoming very dangerous. He has killed police informers. We have to issue red corner notice. So, who is dealing with Bella case in Malaysia? He is an officer from India. His name is Krishnamurthy. Yes? This is Dharmendra, Interpol officer from Paris. Boliye. I'm sorry to say, बिल्ला के केस को आप ठीक से संभाल नहीं पा रहे। वो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। शेम। आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या सो रहा है? आप चाहे तो इंटरपोल आपकी मदद के लिए तैयार है। किसी क्रिमिनल को कैसे संभालना हम अच्छे से जानते हैं। We don't need any help. We will catch him very soon. Eddie, sir. बिल्ला और उसकी गैंग पर आज से निगरानी डबल कर। हे स्टीव, जल्दी आ, पुलिस के हम पर नजर। स्टीव, कम। चलाते रहो और ब्रीफकेस मुझे दो। इतनी छोटी रकम के लिए इतना बड़ा रिस्क? हमारी गैंग में आ जाओ। इसने हमारे सामने तीन ऑफिसर्स को शूट किया, हमारी जान बचाई। बहुत डेयरिंग है इसमें। हमारी गैंग के लिए यह परफेक्ट है। यह आम लड़की नहीं है, लेडी बिल्ला है। मैं हथियार और हुस्न का दीवाना हूं। सही जगह पर आई हो, लेकिन वापस जाने के लिए मत सोचना। हास्ता ला विस्ता बेबी। क्या कहा इसने? इसका मतलब अलविदा स्पैनिश में। हाय स्वीटहार्ट। ये मेरी बहन माया। हाय। मेरे भाई का ख्याल रखना। I will. Oh. बिल्ला गैंग को छोड़ने का आपने बहुत सही फैसला लिया है। न्यू प्लेस, न्यू कंट्री, एक दूसरे के साथ नई लाइफ शुरू करना। ओके। okay. तो क्या कर रही हो? दोनों क्यों परेशान कर रही हो? oh!
devil. बिल्ला, ये ऐसे भी कृष्णमूर्ति नाम का प्राणी है, तुम्हें गिरफ्तार करने की कसम खा चुका है। बिल्ला कोई छोटी मोटी मछली नहीं, किलर, किलर फिश है। Then kill him. Shut up. बिल्ला किसी की नहीं सुनता, बिल्ला खुद की सुनता है। बिल्ला ने डेविल को बनाया, डेविल ने बिल्ला को नहीं। बकवास बंद करो। चुप कर। I do what I want. स्टीव को डिलीवरी देने का टाइम आ गया है बिल्ला, और जगह भी डिसाइड हो गई है, लेकिन कंटेनर में हथियार डालना रिस्की है, क्या करें? मैं अकेले जाऊंगा। अकेले जाना तुम्हारे लिए रिस्की है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। यस, कब, कहां? वेरी गुड, कल हम एक इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं। हाँ। स्टीव, तुम्हारी क्या गारंटी है? मैं जान दे दूंगा लेकिन भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अगर तोड़ा तो तू गया। इन वेपन्स की कीमत तुम खुद डिसाइड करो। बिल्ला, अब तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। यू आर अंडर अरेस्ट, यू कैनॉट एस्केप। मैं जानता था तुम आओगे एसीपी, पर अफसोस मुझे छू भी नहीं पाओगे। मैं भी देखता हूँ कैसे इस बार सीधा जेल जाओगे। दिस इज द एंड ऑफ योर क्राइम बिजनेस। देयर इज नो एंड टू माय बिजनेस, डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया भर में मिलियन डॉलर्स के गैर कानूनी हथियार हैं। दुनिया के 50 बिगेस्ट बिजनेसमैन में से आई एम द बिगेस्ट। बाकी के लोग तो मेरे बिजनेस से अपना गुजारा करते हैं। आई एम जस्ट डूइंग माय बिजनेस एसीपी। जानते हो इस बिजनेस की वजह से कितनों की जानें जा चुकी हैं? Who cares? शायद आप जानते नहीं हैं एसीपी, समंदर की बड़ी मछली छोटी मछली को जिंदा निकल जाती है। ट्रस्ट नो वन, किल एनी वन, बी ओनली वन। डायलॉग तो अच्छा मार रहे हो। दैट्स बिल्ला स्टाइल। आपकी गन काफी पुरानी है, मॉडर्न बनो एसीपी। आपको एक गन गिफ्ट करता हूँ। तुम्हारा जेल जाना ही मेरा गिफ्ट है। Hey, don't move. रिलैक्स एसीपी। इन वेपन्स को देखो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है। डॉलर्स, दिनार्स, यूरोस, रुपीस, व्हाटएवर। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, घटिया ही सोचोगे, क्योंकि तुम क्राइम करते हो और हम उसे रोकते हैं। थोड़ा फर्क है एसीपी, आप पैसों के लिए क्राइम रोकते हो और मैं सिर्फ पैसों के लिए क्राइम करता हूं। फायर। We'll be right back.
कॉल द स्निफर डॉग्स, सर्च एवरीवेयर, चप्पा चप्पा छान मारो। गुड इवनिंग सर। आओ आदित्य, आओ कॉफी पियो, कम ऑन, ये लो। थैंक्स सर। सुबह क्यों नहीं आए? सॉरी सर, वो पेट थोड़ा अपसेट था। वैसे यहाँ भी मामला थोड़ा अपसेट हो गया। आदित्य, तुम बिल्ला के लिए तो काम नहीं कर रहे ना? वो इसलिए क्योंकि जिस दिन मैं उस लड़की को शूट करने वाला था तुमने मना कर दिया, आज तुम आए नहीं। मजाक कर रहा हूँ भाई, कॉफी पियो। इंटरपोल कोई काम धंधा नहीं है। हेलो मिस्टर आदित्य, दिस इज धर्मेंद्र। सर, इंटरपोल ऑफिसर धर्मेंद्र। वेर इज योर एसीपी कृष्णमूर्ति? उनका फोन भी उनकी तरह नहीं चलता। खैर, बिल्ला अरेस्ट हुआ या नहीं? नॉट येट सर, हम उसे ढूंढ रहे हैं पर वो मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा? व्हाट डू यू मीन? और कब तक चलेगा ये? हमसे हेल्प लेने में प्रॉब्लम क्या है? सर, वो पूछ रहे हैं कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। कह दो कि बड़ी टॉर्च लेकर आ जाए, तब हम ढूंढेंगे, जैसे कि हम यहां मछलियां पकड़ रहे हैं। सर बिजी हैं। हिलना मत एसीपी, गाड़ी चलाते रहो, अपनी गन मुझे दो, मुझे दो। क्या हाल है मिस्टर एसीपी? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, जख्मी तो तुम हो। बिल्ला को अगर कोई मार सकता है तो वो और कोई नहीं, खुद बिल्ला है। गुड बाय एसीपी। बिल्ला, मेरी बात मानो, सरेंडर योरसेल्फ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओ। बस ये बता दो कि डेविल कौन है और सरकारी गवाह बन जाओ। मेरे साथ शामिल हो जाओ एसीपी, मुंह मांगी रकम दूंगा। ऐसे तो मैं भी एक मुजरिम बन जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है, लाइफ सेट कर दूंगा एसीपी। नहीं, जॉइन माय गैंग। बिल्ला प्लीज, मेरी बात मानो, जैसा कहता हूं करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। इस क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह हूं मैं। अब भी वक्त है एसीपी, मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। बिल्ला प्लीज, बात मान जाओ। कानपुर की सड़कों पर जब मैं भूख के मारे बिलबिलाता था, तड़पता था, तब मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि इस बेरहम दुनिया को इतना तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पा हूं। राज देगे सिपी, आई एम द एम्परर। मिल्ला, मिल्ला, ये सब किसकी प्लानिंग थी? डेविल कौन है? मिल्ला बोलो, बोलो बिल्ला, बोलो। अलविदा एसीपी। काश कि मैं तुम्हें बदल पाता। सॉरी। नमस्ते सर, इतनी रात को मुझे याद किया आपने। ये क्या है सर, एनकाउंटर? नहीं, उठाओ। जी। वैसे ये है कौन सर? बिल्ला। बिल्ला? इसे जिंदा अरेस्ट करने के लिए मैंने कितने पापड़ पे, इसके जरिए मैं इसके नेटवर्क का पर्दाफाश करता हूं। हो नहीं सका। अब सर ये तो मर गया, अब इसके गैंग का क्या होगा? इसके गैंग और साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट को
यकीन दिलाना होगा कि बिल्ला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। इनकी एक प्लानिंग चल रही थी, मुझे हर हाल में उसके बारे में जानना होगा। इस सिंडिकेट के लोग पुलिस में भी हैं, वो अब भी उनकी मदद जरूर करेंगे, उन्हें पकड़ना होगा। सर, जिस बिल्ला से पुलिस थर थर कांपती है उसको एक बार देख लो सर। ये तो रंगा है सर, ये बिल्ला नहीं है सर, ये मेरा दोस्त रंगा है, कसम से ये रंगा है, हम बचपन के दोस्त है, एक ही लंगोट में खेलते थे। इज इट, क्या ये सच है? मुर्गा जो भी लेगा रंगा से पंगा पहुंच जाएगा दरभंगा। भैया आजकल लोग पॉकेट में पैसा कम, क्रेडिट कार्ड ज्यादा रखता है, हम लोगों की कोई सोचता ही नहीं। गरम क्यों हो रहा है? अरे तो क्या करे, धंधा मंदा पड़ा, सुबह से शाम तक ईमानदारी से जेब काट के काम मिलता है, बाबा जी का ठुल्ला। बैंक में पैसा हो ना हो, पर्स में क्रेडिट कार्ड रखना फैशन हो गया है। इसी तरह चलता रहा ना तो बैंक ही लूटना पड़ेगा। ये तुम चुराए थे? कोई शक? असली नकली का फर्क नहीं पता और चले हो बैंक लूटने के लिए। भैया माल छुपा रहा हूँ क्या? अरे फूचर डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, 9 महीने की स्कूल की फीस बाकी है, टीचर ने कहा है कि स्कूल की फीस लेके ही आना। सैलरी मिलती फीस भर देंगे। काम धंधा तो करते नहीं, सैलरी कैसे मिलेगी? जिनका पर्स मारते हैं उनको मिलती है। ए छोटू, तुम्हारा भाई इस जन्म में तो तुम्हारी फीस देने से रहा, तो इंजीनियरिंग भूल जाओ, मेरी तरह बिल्ले बन जाना। भैया ने प्रॉमिस किया है वो पैसे देंगे। चुप कर, ये लो पैसे, अपने स्कूल की बुक ले लेना, ठीक है? अरे मार्च एंडिंग तक स्कूल का सारा कर्जा चुका देंगे, है ना मुन्नी? मेरे ये पकड़, जाके मिठाई खा लेना, है ना? थैंक यू भैया। अपने से ज्यादा तो तुझे इन बच्चों की पड़ी रहती है। अब इनके अलावा हमरा है कौन? हम भी अनाथ हैं, ये भी अनाथ हैं। क्यों, लाइफ में तेरे कोई सपने नहीं है क्या? अरे एक नहीं अनेक हैं। सूट बूट पहन के, काला चश्मा लगा के, 4 आदमी पीछे, उनके पीछे और 400 आदमी, 10-20 फॉरेन गाड़ियाँ, एक आलीशान महल और एक सुंदर सी लड़की। लड़की किस लिए? गोद लेने के लिए? गर्लफ्रेंड बुड़बक। ये सपने सपने में भी पूरे नहीं होंगे। खाली सपने मत देख। लोग गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए। ओए रंगा। अरे शंकर, तुझे देखने को आखिर तरस गई थी रे। अरे ई का मलेशिया से खाली हाथ। कौन यार? अरे तोरे पॉकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ आना था इसलिए पहले ही खाली कर दिया। क्या वीडियो लो, कैसा है? दिखा तो, मलेशिया का है। कहाँ चोरी किया वहाँ जो पुलिस यहाँ तक पहुँच गई? नहीं यार, मलेशिया का बहुत बड़ा ऑफिसर खास तेरे को मिलने आया है, मैं तुझे मिलाता हूँ, चल। मलेशियन पुलिस से तो हार दोस्ती। अरे मलेशिया में मैं उनका खबरी हूँ। मलेशिया में तो हम पॉकेट नहीं मारे, फिर हमको कहे को इंटरनेशनल बंदा है तो चल, पगार मिलेगी ना, तो चल ना। सर ये है मेरा दोस्त रंगा। नमस्ते सर। देखो तुम्हारे जितने भी केसेस हैं सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। करूंगा सर, करना क्या है? तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग करनी होगी? किसकी एक्टिंग सर? इस आदमी की। क्या मजाक लगा रखा है सर, ये तो हम ही हैं, बस कंप्यूटर से सूट बूट चेंज कर दिया। ये देख शंकर। सली एक दो क्या, जानता है कौन है? तू इसकी तरह नहीं दिखता, ये तेरी तरह है। ये कोई जेब का तरह नहीं है, ये बहुत बड़ा डॉन है। डॉन है? बाकी बातें सर बताएंगे ना। ये तुम नहीं हो, बिल्ला है। बॉम्ब ब्लास्ट, हथियारों का धंधा, ड्रग्स स्मगलिंग, मर्डर्स, इंटरनेशनल टेररिज्म। अरे सर ऐसे डेंजर आदमी का हुलिया हमें काहे दे रहे हैं, कछु हो गया तो? नहीं, मलेशिया में बिल्ला मेरी कस्टडी में है, कोई नहीं जानता। पर ये तो बताइए हमें करना क्या होगा? तुम्हें बिल्ला की जगह लेनी होगी, मुझे सारी खुफिया जानकारियां देनी होंगी ताकि मैं उसके गैंग और उसके बॉस को पकड़ सकूं। अरे सर आप तो हमें डॉन बना रहे हैं, अब मैं डॉन कैसे बन सकता हूं बताइए? यू डोंट वरी,
वो सब मुझ पर छोड़ दो। अबे साले, जिंदगी भर तूने जेबें ही तो काटी है, अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। सर, हम डॉन बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ दो लोग और हैं, बेचारे दोनों अनाथ हैं बिल्कुल हमारी तरह, और हम उनसे वादा किए हैं कि हम उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्ला बनने की तैयारी करो, कल हैदराबाद जाएंगे। अरे देखिए सर, हम डॉन बनने के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। भैया, अंकल ने एडमिशन करवाया, ये स्कूल बहुत अच्छी है भैया। मेरी बेटी पूजा भी इसी स्कूल में पढ़ती है, डोंट वरी, इन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और बच्चे हॉस्टल में रहेंगे? हॉस्टल किस लिए, बच्चे हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, है ना? Yes, we are friends now. मैडम, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे लोग हैं। अब बताइए हमको क्या करना है सर जी? शाबाश, वेरी गुड रंगा, अब तुम्हें बिल्ला बनाकर मलेशिया ले जाना होगा, ड्रामा करना होगा कि तुम पुलिस से बच निकले। कब आए सर? आज सुबह ही। सर, इंटरपोल ऑफिसर धर्मेंद्र आपसे मिलने आया है, ही इज वेटिंग। पूछ रहे थे आप अचानक हैदराबाद क्यों चले गए, बिल्ला के केस की फाइल्स कहाँ हैं, प्रोग्रेस क्या है, सवाल पे सवाल पूछ रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। मिस्टर कृष्णमूर्ति, एसीपी क्राइम ब्रांच हैदराबाद, आपके बारे में काफी सुना है, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। बिल्ला का केस बड़े अच्छे से हैंडल किया आपने, वाकई काबिले तारीफ हैं आप, मगर वो फिर फरार हो गए। वो चकमा देने में उस्ताद है सर। इस वक्त बिल्ला केस टॉप प्रायोरिटी पे है और आप छुट्टी लेकर हैदराबाद चले गए। घर में शादी थी, आदित्य बताया नहीं? बताया था ना सर, वो भी जरूरी है सर, जिम्मेदारी जो है। लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी का क्या, एंगेजमेंट, शादी, डांस? सिर्फ मैं ही गया था, बाकी का पूरा डिपार्टमेंट यहीं था, आप भी तो थे। तो आपसे इस केस को मैं हैंडल करूंगा, बिल्ला के केस की फाइल दीजिए। मिस्टर धर्मेंद्रा, बिल्ला का केस मैं ऑलरेडी हैंडल कर रहा हूँ, उसके लिए काफी वक्त भी दे चुका हूँ, इसलिए पीछे हटना मुश्किल है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम मिलकर काम करेंगे, वी हैव टू कैच हिम। आदित्य सर, एक प्रेस मीट अरेंज करो। जैसा आप कहें सर। ये प्रेस मीटिंग बिल्ला केस के लिए बुलाई गई है, और आप सब जानते हैं कि इसे अब तक मिस्टर कृष्णमूर्ति हैंडल करते आए हैं। मिस्टर कृष्णमूर्ति, प्लीज ब्रीफ देम। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से बिल्ला को वेपन्स की डीलिंग करते हुए अरेस्ट कर लिया गया था, पर शूटआउट के दौरान वो भाग निकला। हमने सारे हथियार जब्त कर लिए हैं, उनकी टोटल वैल्यू करीब $20 million बताई जा रही है। सर्च इज गोइंग ऑन, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, बिल्ला अभी भी जिंदा है या मारा गया? वो मरा नहीं है। सर, when will you catch him? Very soon. ये इंटरपोल का कमिटमेंट है, बिल्ला जल्दी अरेस्ट होगा। इंटरपोल के आने के बाद अब इस केस को लाइटली नहीं लिया जाएगा। बिल्ला के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो हम अपील करते हैं कि वो पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। थैंक यू। क्वालालंपुर पुलिस कंट्रोल। चाउमीन से भी ज्यादा टेस्टी न्यूज दूं आपको, आई सॉ बिल्ला। व्हाट, वेयर? उत्ती पिता, जाके पकड़ो। सर, यस, वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट बिल्ला। वेयर इज ही?
यस यस, बिल्ला हमारी गिरफ्त में है। प्लीज साइलेंस। हमने बिल्ला को पकड़ लिया है। डॉक्टर राव, इसकी कंडीशन कैसी है? ही इज फाइन। एमआरआई रिपोर्ट से पता चला है कि इसकी याददाश्त चली गई है। इसे अपना बीता हुआ कल याद नहीं। मतलब ये सब कुछ भूल चुका है? ओह नो, बट आई वांट टू इंटरोगेट हिम। मुझे इसे बहुत कुछ मालूम करना था। नॉट नाउ डॉक्टर। ये कब तक ठीक होगा? पता नहीं, दो दिन भी लग सकते हैं, एक हफ्ता भी, या हो सकता है कलीस की याददाश्त वापस आ जाए। यानी हमें तब तक इंतजार करना होगा। इसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दो। पुलिस बिल्ला का कुछ नहीं कर पाएगी, हमें बिल्ला को वहां से निकालना होगा। डेविल को बिल्ला चाहिए। राशिद की डील बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्ला के बिना नहीं हो पाएगी। क्या करें? मैं लाऊंगी उसे। हाँ? बिल्ला को मैं छुड़ाऊंगी। कैसे? कमान कमान, ठीक है। सर, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नहीं सर, ऐसा दिन फिर कभी नहीं आना चाहिए। ये सब हुआ कैसे मिस्टर कृष्णा? दिन दहाड़े बीच सड़क पर, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो हाथ से निकल कैसे गया? काश हमारे पास कोई जवाब होता। आखिर उन्होंने किया कैसे? आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स होंगे तो यही होगा ना? आपको याद दिला दूं, वैसे आप भी पुलिस ऑफिसर हैं और आप तो इंटरपोल के ऑफिसर हैं। फिर वो आपकी कस्टडी से कैसे निकला? आपको क्या लगा था कि बिल्ला का गैंग उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा? डिपार्टमेंट के अंदर से ही खबर लीक हुई है। बिल्ला किडनैप हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। आदित्य को आप कब से जानते हैं? बिल्ला का केस लेने के काफी पहले से। नजर रखिएगा इस पर। क्या बिल्ला, ऐसे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारा ही बंगला है, तुम्हारा ही आइलैंड है। याद करने की कोशिश करो। याद नहीं आ रहा है क्या? मैं रंजीत हूं, ये लीजा है, ये माया। पहली मुलाकात में ही तुम इससे इंप्रेस हो गए थे। विकी, मार्टिन, मार्क, ब्रिटनी, तुम्हें कोई भी याद नहीं है? बिल्ला, क्या मैं भी तुम्हें याद नहीं? बिल्ला, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो? जस्ट अ मिनट। बिल्ला, डेविल, कौन है ये? हाँ? मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो इसे कैसे जानूंगा? Who is he? हमारा बॉस डेविल, बात करो। हेलो, हाय बिल्ला, हाउ आर यू? गुड यू केम बैक। सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। राशिद की डील का वक्त आ गया है। एक बार ये डील हो गई तो हम यहां से निकल जाएंगे। ओके। बिल्ला,
आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट. मुझे यह तक नहीं पता कि मैं कौन हूं. प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट वरी, फिलहाल उसे आराम करने दो. ससुर सब उल्लू बन गए. आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट. अरे वाह, ये क्या हो रहा है हमरे साथ है? अगर एसीपी के साथ रहे तो सचमुच हमारी याददाश्त खो जाएगी. ससुरा एसीपी को कीड़े पड़े, माटी मिले, हमको स्वर्ग से उठा के नरक में ले आया. कौन है भाई? ए माई, एसीपी आप यहाँ कैसे? बिल्ला बन के कैसा लग रहा है? अरे बकरे को कुर्बानी के लिए चढ़ा दिए और पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? पर लड़कियां अच्छी हैं. सब लोग तुम्हें बिल्ला ही समझते हैं ना? हाँ बिल्ला तो समझ रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि कोई हमें बाथरूम अकेले नहीं जाने देता. माया को देख के लगता है कि हम बिल्ला बन के कोई गलती नहीं की है. ठीक है ठीक है, मुद्दे की बात बताओ. हाँ वो हमारी डेविल से बात हुई थी. कब और कहाँ? अरे फोन पर बात हुई थी. उसने कहा कि डील के बारे में हमें बताएगा. We'll be there in half an hour. तुम्हें अब सबसे कहना होगा कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है. सही वक्त आ गया है. अपने गैंग के साथ डील पर जाने से पहले मुझे कॉल करना. और उसके बाद क्या करेंगे? पहले इतना करो, फिर बाद में बताऊंगा. बिल्ला, can we go? Yeah, wait for 5 minutes. Okay. पर एसीपी आप बाहर कैसे जाएंगे? वो बाहर तो हैमान खड़ा है. आए सर जी, सर जी. आए सर जी, एसीपी सर जी. आए, अरे कहाँ गायब हो गए सर जी? अरे ये एसीपी तो गुंडों से भी ज्यादा डेंजर है भाई. बिल्ला, राशिद भाई कब से फोन कर रहे हैं? आप बताओ क्या बोलूं मैं उनसे. ये राशिद कौन है? He's a very important person. उसके साथ एक बहुत बड़ी डील करनी है. वो नहीं जानते कि तुम सब भूल चुके हो. प्लीज मैनेज करो. लो बात करो. हेलो राशिद भाई. मेरा शेर बिल्ला, कैसा है? ठीक हूँ. तुम्हारा आवाज सुन के अच्छा लगा. कल जिमी के साथ तुम्हारा पहला इंस्टॉलमेंट भेज देगा. तैयारी हो गई? हो गई. तारीख बदलनी नहीं चाहिए, डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए. नहीं होगी. जानता तुम कर लेगा. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. कुआलालंपुर पहुंचो. बात हो गई. गुड बिल्ला, तुमने संभाल लिया. हेलो रंजीत. हाँ. मैं लीजा को कब से जानता हूँ? क्यों बिल्ला, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? पिछले 4 सालों से हम साथ में हैं. Don't you know how much I love you? बिल्ला का टेस्ट इतना खराब था. माया मस्त है. और माया तुम्हारे लापता होने से कुछ दिन पहले आई थी. ये हमारी है. प्लीज टेक केयर. अब तुम राशिद के राइट हैंड जिमी से मिलने वाले हो. ही इज वेरी डेंजरस. वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है. ऐसे मैनेज करना जैसे तुम्हें सब याद है. मुझे देखकर वो अजीब बिहेव करता है? नहीं, तो बस देखते जाओ. हे बिल्ला, यू मैन, कम ऑन माय शेर, गिव मी अ हग. या हे बिल्ला, यू चेंज.
यू चेंज बिल्ला, मौसम की तरह तुम बदल गए। क्या हुआ बिल्ला? गिव मी ए पंच मैन, पंच। आई गॉट इट, तुम टीवी वही हो पर चैनल बदल गया है। स्ट्रॉन्ग पंच। अबे लाबे, राशिद भाई ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेजा है। ला नो नो, ओनली बिल्ला। माल टाइम पे डिलीवर होगा ना? 100%। लेट्स एंजॉय। तुम लोग यहां से फौरन निकल जाओ। Okay. हम सब संभालेंगे। कम ऑन बिल्ला, कम ऑन, लेट्स गो। रंजीत, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मुझे सब कुछ याद आ गया। बिल्ला इज बैक। हेलो। हेलो मैडम, मैं रंगा। हाँ रंगा, बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैडम। ये बताइए कि मेरे बच्चे कैसे हैं? तुम्हारे बच्चे अब हमारे बच्चे हैं। लो बात करो, सबको बात करनी है। हेलो भैया, आंटी बहुत अच्छी, हमें बहुत प्यार करती है। हम यहाँ खुश है भैया, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप कैसे हो भैया? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, समझ लो कि राजा की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। कोई है तो नहीं? तो क्या तुम्हें लगता है कि बिल्ला को सब कुछ याद आ गया? हाँ ऐसा लगता तो है। आज रपट, हे हे, आज रपट। तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक? नो, फर्स्ट स्विमिंग। ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? Are you sure ये बिल्ला ही है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। Don't worry, धीरे धीरे याद आ जाएगा। याद आ गया मुझे, सब याद आ गया। I'm back. Yes, सब कुछ याद आ गया। I remember everything. Let's swim. Okay.
बिल्ला, केविन गैंग को $1 million के हेरोइन पैकेट्स चाहिए। बाकी की सारी डिटेल्स कंप्यूटर में है। मार्क, कम विद मी। ये क्या है रंजीत? मेरे जाने के बाद किसी ने पासवर्ड ही चेंज कर दिया? मेरे और तुम्हारे अलावा तो इसे कोई नहीं छूता। ओपन हो गया। ओके। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया था। डील के लिए आ रहे हो ना? नहीं। क्या डालें? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सब याद आ गया है? हमारा रिश्ता याद नहीं आया? या फिर मैं याद दिलाऊं? हेलो, बोलो रंगा। हेलो सर, सो रहे थे क्या? ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अरे ऐसा कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं होता? मुद्दे पर आओ। बिल्ला के गैंग की सारी डिटेल्स और राशिद की फुल इन्फॉर्मेशन मैंने इस पेन ड्राइव में कॉपी कर ली। वेरी गुड, मुझे कब दोगे? एक काम करिए, आप यहीं चले आइए, सुबह नाश्ता करके पेन ड्राइव लेके गुल हो जाइए। और सर जी, उसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी दे दूंगा। आप गुड नाइट बोलते हैं? ओके, बट टेक केयर। हाँ टेक केयर। लीजा ने दिमाग का पिज्जा बना दिया और सूट पहनकर सांस नहीं ले पा रहे। देखिए, अब दिल कर रहा है कि कोनो भोजपुरी फिल्म देखें। आपके पास निरहुआ का कोनो सीडी है? है। अरे सर जी, न सीडी है न लेडीज है, ऊपर से कोर्ट ने हमको और तंग कर रखा है। भैया कैरेक्टर में आजा। चल बिला, जिमी के साथ 11 बजे की मीटिंग है, मुझे प्लान की डिटेल्स चाहिए। ओके, मैं साथ चलूं? No, I'll go alone. मैं भी साथ में जाऊंगी, just for safety. Okay. सिर्फ तुम चलोगे? बिल्ला, कैन यू ऑल लीव मी अलोन प्लीज? मेरा मिट्टी का शेर। थैंक यू माय पंच। राशिद भाई के लिए मैसेज? बैग में डिटेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वीक डिलीवरी पक्की? पक्की। ओके नक्की। बाय, सी यू बिल्ला, लव यू। ससुरा हमको लव यू बोला है, लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। Maya, what is this? You're going to die. मरने के लिए तैयार हो जा। That means तुम चेक कर रही हो कि मैं पुराना बिल्ला हूँ या नहीं? अरे मायरे। मैं तो तुझे उसी वक्त मार देती जब तेरी याददाश्त वापस आई थी। क्या तू जानना चाहेगा मैं तुझे क्यों मारना चाहती हूँ? मेरे भाई विक्रम और प्रिया को तूने मारा, कुछ याद आया? अरे बाप रे, ये तो हमको फ्लैशबैक वाला मामला लगता है। देखो माया, ना ही हम बिल्ला बिल्ला है और ना ही हम विक्रम फिक्रम को जानते हैं। एक बार ऊपर पहुँचा ना तो सब याद आ जाएगा। अरे देखिए, हम कसम खा के कहते हैं, हम बिल्ला नहीं, हम रंगा हैं। शट अप। चल। जा तो जा। मैंने कहा बंदूकें फेंको।
अच्छा हुआ सर आप ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे, वरना इसने तो मेरे लाइफ पर जाम ही लगा दिया था। माया बंदूक फेंको, जिसे तुम बिल्ला समझ रहे हो बिल्ला नहीं है। सर हम समझा समझा के थक गए पर ये मानती ही नहीं है कि हम बिल्ला नहीं है। ये बिल्ला नहीं है, रंगा है। तो बिल्ला कहाँ है? बिल्ला मेरे पास है, पुलिस के सामने बिल्ला ने खुद को सरेंडर कर दिया था। मैंने उसे खुफिया जगह पर रखा है, फिलहाल उसकी हालत खराब है। उसका गैंग और डेविल कौन है जानने के लिए मैं रंगा को बिल्ला बनाकर यहाँ लाया था। तुम बिल्ला के गैंग की हो ना? मैं नाटक कर रही हूँ, मेरा मकसद बिल्ला को ऊपर पहुँचाना है, तभी मैं गैंग में शामिल हुई। जे बात, हम वो बिल्ला नहीं है मैडम जिसे आप मारना चाहती हैं। ये देखिए सर वो पेन ड्राइव, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फोन पर बताई थी सब इसी में है। आया, ये बिल्ला नहीं रंगा है ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बिल्ला नहीं है तो मेरा क्या काम? नो, अगर तुम अचानक गायब हो गई तो सबको शक हो जाएगा। अब तक ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मामला देश की सिक्योरिटी का है। यू हैव टू कोऑपरेट विद द पुलिस। सही सर जी, आप नाटक जारी रखिए। एसीपी साहब, आप बिल्ला को वहां से निकलने मत दीजिएगा। अगर बिल्ला वहां से निकला तो हम दुनिया से निकल जाएंगे। क्या बताएं, जब इस तरह की ड्रेस पहनकर आप निकलती हैं तो एकदम टकाटक लगती हैं, कंट्रोल नहीं होता। यू आर वेरी लकी, वरना कब का मार चुकी होती। तुम 3 बार बच चुके हो। आई एम सॉरी। देखो माया, मैं बिल्ला दिखता हूँ पर हूँ नहीं। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, सुनिए। देखिए, अब हमें साथ में मिलकर काम करना होगा, एकदम करीब रहकर, मेरा मतलब सट के। तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। सुनिए मोहतरमा, हमारा काम क्या है, हमें डेविल को पकड़वाना है, उसके बाद तो आप फ्री हो जाएंगे, तो क्यों ना हम शादी करके इंडिया में सेटल हो जाएं। आपको देखते ही लगा कि कोई जेम्स बॉन्ड की हीरोइन आ गई है। हमारा स्टाइल भी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। अब जब आपकी हाँ है तो चलो कहीं घूमने चले। आगे चले? अरे नहीं भैया, इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। अरे हंस रही है मतलब फंस रही है। इतनी अच्छी खिलाड़ी हो तो फिर रोमांस भी अच्छा ही करती होगी। छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। लिसा, ऐसे बोल रहा है जैसे मैच फिक्स हो। स्टॉप इट। लीजा, क्या चल रहा है ये? बिल्ला, हमें बात करनी है। बिल्ला, डेविल निकल हमारे नेटवर्क के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज की है। किस लिए? उसने राशिद भाई के साथ फाइनल डील फिक्स कर दी है, सो ही इज गिविंग अ पार्टी। डेविल, हेलो। मिला, मलेशिया की हमारी डील सेट हो चुकी है, लेट्स सेलिब्रेट। शंग्रीला होटल तो ठीक है ना? पुलिस का कोई मसला तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, फिक्स इट। पार्टी में मिलते हैं। ओके। बिल्ला गया और रंगा आया। सर, हम इंडिया जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? बिल्ला और डेविल के बीच कल एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और वहाँ पर डेविल भी आने वाला है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे उसी ने तो फोन करके हमें बताया कि कल 9 बजे मीटिंग है। कहाँ? शंग्रीला होटल। हमने महीनों से इसका इंतजार किया है, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। तुमने मुझे जो पेन ड्राइव दी है उसमें डेंजरस इन्फॉर्मेशन है। रशियन मिलिट्री से बेहद डेंजरस एक्सप्लोसिव्स डेविल को सप्लाई किए जाने वाले हैं। इसी को राशिद डील का नाम दिया गया है। डेविल अरबों रुपए के डेडली वेपन्स मिसाइल्स बॉम्ब्स को गैर कानूनी तरीके से स्मगल करके राशिद को सौंप देगा। ये डील हो गई तो पूरी दुनिया में खतरा मंडराएगा, समझ लो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा खतरा। खतरों से तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं एसीपी। आप एक काम कीजिए, पुलिस फोर्स लेकर आइए, और याद रहे हमारे लिए इंडिया का टिकट भी। शट अप, तुम वहाँ खुद को सरेंडर कर देना, मैं संभाल लूंगा। ओके सर, ओके, लेकिन हमारी माया से शादी जरूर करवा देना। आखिर तुम्हें हो क्या गया है, कितने बदल गए हो? अब
तुम मेरे पुराने वाले बिल्ला नहीं रहे, मुझे हमेशा अवॉइड करते हो और मैं इसकी वजह जानती हूँ। क्या वजह है? माया, उसने तुम्हें फंसा लिया है। बकवास बंद करो। बिल्ला, हम शंग्रीला होटल नहीं जा रहे हैं, पार्टी अब पुत्राजा के पार्क होटल में हो रही है। क्यों? हमें टिप मिली थी कि पुलिस वहां आने वाली है। तुम्हें कैसे पता? कम ऑन बिल्ला, पुलिस में हमारे कुछ वफादार आदमी मौजूद हैं। पर जगह किसने बदली? ट्रेवल। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो क्या हुआ, अभी बता रहा हूं ना। बोलो सर जी, शंग्रीला होटल मत जाइए, जगह चेंज हो गई। व्हाट? तुम कहाँ हो? पुत्राजा के पार्क होटल में। कंफर्म? उन्हें आपके आने की इंफॉर्मेशन मिल गई है, डेविल का कोई आदमी आपके डिपार्टमेंट में मौजूद है। पता लगाइए वो कौन है, तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। ठीक है ठीक है। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तुमने मुझे अवॉइड किया, तब मुझे समझ आ गया कि तुम बिल्ला नहीं हो। अपना नाम बताओ। लिजा प्लीज। बताओ please. नहीं तो गोली मार दूंगी। लिजा, why don't you understand? गलती से ट्रिगर दब गया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। I'm sorry. No, बिल्ला। ये कैसे हुआ? बिल्ला के नाम
सुनिए जी, हैप्पी बर्थडे। मैं बाद में बात करता हूँ। हैप्पी बर्थडे डैडी, हम आपका बर्थडे इंडिया में मना रहे हैं। मैं फोन करता हूँ बेटा। हैप्पी बर्थडे अंकल। फोन रखो। हैप्पी बर्थडे डैडी। मैंने कहा ना बाद में बात करूंगा। हेलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे इंडिया। फोन काट दो। एसीपी सर, क्या हुआ सर? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये? डेविल सर, डेविल, मैंने डेविल को देखा सर, मैंने देखा रंगा। एसीपी सर, सर सर, मैं बिल्ला नहीं हूँ, रंगा हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ। एसीपी सर ने मुझे बिल्ला की एक्टिंग करने के लिए कहा था, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नो, तुम ही बिल्ला हो, एसीपी को तुम ही ने मारा है। सर, एसीपी सर ने मुझे बिल्ला बनने के लिए कहा था तो मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? अच्छा, यानी स्मगलिंग और किलिंग के अलावा बिल्ला एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है। जो बिल्ला शूट में घायल हुआ था उसे एसीपी सर ने कहीं छिपा के रखा हुआ है। What और happened? जगह भी बदल दी गई थी। ये बात भी मैंने एसीपी को बताई थी, अगर मैं बिल्ला होता तो ये सारी बातें मैं एसीपी सर से शेयर क्यों करता? Shut up. जिस तरह तुम पुलिस की खबर रखते हो उसी तरह पुलिस तुम्हारी भी खबर रखती है, तो जो पूछ रहे हैं चुपचाप बताते जाओ। हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही हो, पर एक बात बताओ, एसीपी का बिल्ला की जगह किसी और को भेजने का क्या मकसद था? ताकि डेविल और राशिद को डील करते वक्त पुलिस रंगे हाथों पकड़ ले। बकवास बंद करो, तुम बिल्ला नहीं हो, इस बात का सिर्फ एक सबूत पेश करो। हाँ, पेन ड्राइव। सर, मैंने एसीपी सर को एक पेन ड्राइव दी थी, उसमें बिल्ला के गैंग की सारी डिटेल्स हैं। बता सकते हो इस वक्त वो पेन ड्राइव कहाँ है? मैंने एसीपी सर को दी थी, एक बार उनका रूम चेक कर लीजिए। मिस्टर आदित्य, एक बार जरा चेक करना। नॉनसेंस, हमसे बचने के लिए आदमी झूठ बोल रहा है, और ज्यादा ड्रामा किया तो थप्पड़ मारूंगा। आदित्य सर, जाकर देखो। बहस मत करो, जैसा सर कह रहे हैं वैसा करो ना, जाकर चेक करो। Go inside. Hey, my. Don't move. हम इन पागलों के साथ नहीं रहेंगे। अरे। Hi. Mark, क्या कर रहे हो? I am Billa, just acting as Ranga. I can kill you. Leave me. You fool. He's acting. एक्टिंग कितना भी ड्रामा कर ले, बिल्ला नहीं बन सकता। बिल्ला हूं मैं, असली बिल्ला। नो, अगर हम इससे लड़े तो पुलिस को पता चल जाएगा कि ये बिल्ला नहीं है। एक बार पुलिस को पेन ड्राइव मिल जाए बच्चा, तब मजा आएगा। हम यहां से सीधा कल्टी। ससुरा फॉरेन जेल में एसी नाम की कोनो चीज ही नहीं। और रंजित, चाय मंगाइए मलाई मार के। नहीं चाहिए। ससुरा चाय में कुछ मिला दिया तो? कुछ नहीं मिला सर। एसीपी के घर पर वो पेन ड्राइव नहीं मिली? नहीं मिली सर। नहीं,
और तुम्हारे रंगा होने का कोई सबूत नहीं है। सर मुझे इसके ऊपर डाउट हो रहा है। शट अप आदित्य, इसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट करो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है बिल्ला बनकर। तुझे क्या लगता है हम तुझे छोड़ देंगे? अरे तो पकड़ोगे कैसे, पुलिस तो पहले ही पकड़ी है। भाड़े के टट्टू रखने से कोई डान नहीं बन जाता। खाली पीली बात करता है, तू क्या देख रहा है बे? गागल्स पहनकर पैदा हुआ था का? अब हथकड़ी पहनकर ताता थैया करना। अरे इका देखो जरा, पूरा बोकुड़ बकरा लग रहा है। अबे ऐसे का देख रहा है, मारेगा हमको, चल मार। सब बिल्ला के पालतू कुत्ते हैं। भाई सारे कुकुर कहीं के। ए, बिल्ला कैसे का सोचता था तुम सबको पता है, लेकिन हम का सोचते हैं पता नहीं चलेगा, इसलिए ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। कारे मार्ग काठमांडू से आया है कारे, सारे तोहरा के तो गोरखा का भी नौकरी नहीं मिलेगा। का देख रहा है, कभी मर्द नहीं देखा का? और तू इन सब का गुरु घंटाल है, तुझे तो गली के बच्चे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। सांड कहीं का? तू चाहता है कि हम तेरी पिटाई करें ताकि पुलिस को लगे कि तू बिल्ला नहीं है, यही प्लान है ना तेरा? तू यहाँ बिल्ला बनकर आया था साले, और बिल्ला बनकर ही ऊपर जाएगा, सेंट्रल जेल में ही तेरी कब्र बनेगी। अरे नहीं, मुश्किल लगता है जब ऊपर वाला दिमाग दे रहा था तब तुम घास चरने गए थे। एक मिनट, ए पुलिसिया भाई, हम सच बोले ना? मान गया कि तुम गधे नहीं, गधे की औलाद हो। Most wanted criminal, आराम से भाग निकला। What the hell are you people doing? वो वाकई बिल्ला है। सर हमने already shooted site order दे दिए। No, वो हमें जिंदा चाहिए। Catch him. पुलिस की नाकाबंदी टाइट कर दो। हार्बर, एयरपोर्ट, हर जगह चेक करो। भागने के हर रास्ते बंद कर दो। I will catch him. वो रंगा और एसीपी हमसे झूठ बोल रहे थे। पता नहीं बिल्ला को उन्होंने कहाँ छिपा कर रखा है। कुछ भी करो, रंगा को ढूंढो। उस साले की मौत मेरे हाथों लिखी है। You idiot. रंगा को जब तक नहीं ढूंढोगे हमें बिल्ला कैसे मिलेगा? कैच हिम। राशिद की डील पूरी करके उस पेन ड्राइव को अपने कब्जे में लेना होगा, वो काफी कॉन्फिडेंशियल है। ओके। रंगा। रंगा तुम यहाँ? पुलिस को लगता है कि मैं बिल्ला हूँ। मैं जानती हूँ, एसीपी आदित्य और मलेशियन पुलिस ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है, पूरी गैंग तुम्हारी तलाश में है। जानता हूँ, सच्चाई सिर्फ एसीपी सर को पता थी। पुलिस को सिर्फ बिल्ला चाहिए। डेविल के लोग भी पागलों की तरह बिल्ला को ढूंढ रहे हैं। कहीं उन्हें तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं पुलिस में जाकर बता दूं कि तुम बिल्ला नहीं रंगा हो? नहीं, इससे तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बिल्ला का कोई आदमी पुलिस में है,
उसी से बिल्ला के आदमियों को सारी जानकारी मिल रही है। तो अब तुम क्या करोगे? चलो माया, सबसे पहले हम इंटरपोल ऑफिसर को फोन करते हैं। पता नहीं क्यों लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। वन मिनट। हेलो। हेलो ऑफिसर, मैं रंगा बोल रहा हूँ। बोलो बिल्ला। सर पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बिल्ला नहीं हूँ। तो आके खुद को सरेंडर करो, मैं सब संभालूंगा। मैं सरेंडर करने से डरता नहीं सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। अगर जेल गया तो साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं बिल्ला नहीं हूँ। तो फिर तुमने मुझे फोन क्यों किया? कल दोपहर 12 बजे हम एरो ब्रिज पर मिलेंगे, अकेले आना। पुलिस, अब क्या करें? सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था। मजबूरन पुलिस से बचने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे अच्छा लगा। टेक केयर, आई लव यू। लगता है आपको कहीं देखा है। अरे सॉरी 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 मलेशियन भगवान, आपको हम पहचान नहीं पाए। अरे वो का है ना, हम टल्ली हैं। एक बात कहेंगे, आपने चक्कर चलाया, हम जेल से बाहर आ गए, अब माया से हमारा टाका भी भिड़ा दो। हमारे लिए कुछ कीजिए वरना हम कुवारे ही रह जाएंगे, और हम कुवारे नहीं रहना चाहते। कुछ कीजिए। ऐसे में मौसम्बी कौन है भाई? रात में मौसम्बी है। शंकर, ए रंगा, अरे मेरा गले लग गया। अरे कहाँ था इतने दिन, और यहाँ क्या कर रहा है? जानता है एसीपी सर निकल लिए? हाँ यार, तभी तो होटल को ताला लगा के मैंने शटर डाउन कर दिया। ए शंकर, बताओ बिल्ला को कहाँ छुपा कर रखा है? ये मलेशियन पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। बिल्ला का दीदार करेगा तो पकड़ मैं शर्ट। अरे बास आ रहा है। फॉलो मी। डरना मत, मैं हूँ। रास्ता चेंज। आजा। अरे किधर है वो? आवाज नहीं। बिल्ला उठ गया। इसमें है कहा? ठंडी अलमारी है। यू विलेज पीपल इसको फ्रिज बोलते हैं, ठंडा करता है। अरे बिल्ला किधर है? अरे वो बिल्ला, देख कौन आया। गुड मॉर्निंग। उठ जा बिल्ला, उठ जा। ये उठेगा नहीं, ये उठ चुका है। इसको मार के एसीपी ने तेरे को ट्रेन करके यहाँ मलेशिया लाया है। पहले बताते तो तेरा लंगोट डर के मारे पीला हो जाता है। ससुरा पूरी उतर गई। अच्छा हुआ जो तूने हमको ये खबर बताई। इसका मतलब है कि हम एसीपी की एक्स्ट्रा क्लास से बच गए। और क्रेडिट कार्ड गोज टू मी। मैंने उनको तेरे बारे में बताया था। मैं था उनका खबरी। मैं हूँ खबरी मलाई रबड़ी इनफॉर्मर। चमड़ी उधेड़ दूंगा। सुकून तो उस वक्त मिलता है जब हम देश के लिए अपना काम ईमानदारी से करते, गद्दारी नहीं करते। बेचारे एसीपी सर अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई और न्याय के साथ लड़े। तेरा प्लान क्या है अब? पुलिस को सच बताऊंगा। कल मैं इंटरपोल ऑफिसर से मिलने वाला हूं, वो मदद करेंगे। सारे
बोलो। एसीपी के कहने पर मैं बिल्ला बना था सर। उनके जाने के बाद अब सिर्फ मैं आप पर यकीन करता हूँ। यही वजह है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया। जिस तरह मैं एसीपी सर के लिए इन्फॉर्मर का काम कर रहा था, उस तरह आपके डिपार्टमेंट में भी बिल्ला का कोई इन्फॉर्मर है। एसीपी को जो तुमने पेन ड्राइव दी थी वो कहाँ है? पेन ड्राइव? अगर तुमने अभी नहीं बताया कि बिल्ला कहाँ है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और ये साबित हो जाएगा कि तुम ही बिल्ला हो। मैं बिल्ला नहीं हूँ सर, मैं रंगा हूँ। आप मेरा यकीन सर, रंजीत और मैं जानता हूं कि तू बिल्ला नहीं, पर तू अच्छी तरह जानता है कि बिल्ला कहां है, पेन ड्राइव कहां है, बिल्ला कहां है। तो तू डेविल है, तो तू सब जानता था। रंजीत, रंगा के साथ कौन है? डेविल। यस, आई एम डेविल। उस एसीबी को मैंने ही जानता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ही डेविल हूं। चल अब भगते हैं। बिल्ला कहाँ है? ए, पहले मेरी बात तो सुन। सिर्फ मैं जानता हूं कि तू रंगा है, बिल्ला नहीं। मरने से पहले एसीपी ने मुझे सब कुछ बताया था। जो पेन ड्राइव तुमने एसीपी को दी थी वो ये रही। सब जानने के बाद मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हारे सहारे मैं डेविल को पकड़ना चाहता था। जानते हैं डेविल कौन है? इंटरपोल ऑफिसर धर्मेंद्र। एसीपी ने ये प्लान सिर्फ बिल्ला और उसके गैंग को खत्म करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उस डेविल का पता लगाने के लिए भी। एसीपी सर को मारने वाला डेविल है। अब ये बात मैं भी जान गया हूं, इसलिए वो मुझे भी मारना चाहता है। धर्मेंद्र ही डेविल है, ये तुम और मैं जानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात कैसे समझाएं? कुछ तो करना होगा, वरना एसीपी सर की कुर्बानी जाया जाएगी। वो हमेशा से यही चाहते थे कि हम राशिद को सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़े। रंगा, ये सब मैं संभालता हूं। तुम वापस अपने घर जाने की तैयारी करो। अभी नहीं सर। तो फिर क्या करोगे? अपना फोन दीजिए सर। शंकर, रंगा बोल रहा हूं। हाँ रंगा बोल। यार ये तो बहुत डेंजर काम है। जो बोल रहा हूँ वो कर। ओके। रंगा, दिस इज टू रिस्की। हमारी जान पर खतरा बढ़ जाएगा। डेविल के लिए मैं सारे रिस्क ले सकता हूँ सर। हमें राशिद को पकड़ना है। प्लीज सर, कोऑपरेट मी। यस। वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। एसीपी कृष्णमूर्ति ने बिल्ला को मुर्गन टेंपल के पास वाले आंध्रा रेस्टोरेंट में छुपाया।
रियली? यस सर। आदित्य ध्यान रहे, ये बात लीक ना हो, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम वहां अकेले ही जाओ। ओके सर। रंजीत, रंगा जिंदा नहीं बचना चाहिए। मंदिर के पास साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बिल्ला को छिपा के रखा है। रंगा को खत्म करने के बाद बिल्ला को एयरपोर्ट लेके आ जाना, क्विक। ऑफिसर आदित्य भी वहां पहुंच चुका है, उसे भी उड़ा दो। डू इट एंड कम फास्ट। ओके टर, ड्राइव फास्ट। सरेंडर। रंजीत, लीजा किधर है? बिल्ला, इस साले ने हमें धोखा दिया, बिल्ला बनने का नाटक किया और लीजा को भी मारा। बिल्ला किधर है? राशिद भाई, बिल्ला ने आपको जो एक्सप्लोसिव देने का वादा किया था वो रेडी है। फाइनल अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद आप अपना माल ले जा सकते हैं। तू कौन है? मैं सिर्फ बिल्ला से बात करता है और उसी से डील करेगा। इट्स ओके, बिल्ला को ये डील करने को मैंने ही कहा था। आई एम डेविल। तू अगर डेविल है तो मैं हूं शैतान। रंजीत, क्या खबर है? डेविल, बिल्ला लौट आया है। हमने रंगा को मार डाला है, बस लौट रहे हैं।
तेरे भाई और प्रिया की मौत के बदले तो मुझे मारने आई थी। दिल तो करता है कि मैं ही तुझसे बदला ले लूं। रानी पंचायश करेगी। हस्ता ला वेस्ता, बेबी। ले जाओ इसे। बिल्ला, पता नहीं क्यों तुमको देखता तो साला मजा आ जाता है। भाई, राशिद भाई, आपने जो रशियन एक्सप्लोजिव्स मंगवाए थे वो मैंने कार्गो प्लेन में रखवा दिए। इस माल का आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ऑल अरेंजमेंट्स डन। जो चाहिए वो ले लो शेर। पैसे जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दीजिए। ये सिर्फ बिल्ला के साथ डील करता है, याद रख। सालों से इंतजार था इस डील का मुझे। बिल्ला, थैंक यू। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तुम गायब थे न जाने मेरी कितनी डील्स कैंसिल हुई। लगता था मैं तबाह हो गया। गुड यू केम बैक। गुड फॉर मी, बैड फॉर यू। मुझे तेरी जरूरत सिर्फ इस डील के लिए थी। जब मैंने एसीबी को मारने को कहा तूने मेरी बात नहीं मानी। अभी मैंने डिसाइड कर लिया, इस किलर फिश को फिनिश करो। टेबल को सिर्फ हुक्म मानने वाला कुत्ता चाहिए, समझा? भोंकने या काटने वाला नहीं, तू सिर्फ एक नकाब है। अगर कोई बॉस है तो सिर्फ टेबल, बाकी उसके तलवे चाटने वाले। आज से तेरी जगह रंजीत लेगा। बाय द वे, बिल्ला को मारने वाला डेविल इंटरपोल ऑफिसर धर्मेंद्र है। डेविल, आपने मुझे बिल्ला की जगह दी तो इसे मारने का मौका भी दो। ओके, खत्म कर दो इसे।
अब जो तुझे शूट करेगा वो बिल्ला नहीं, रंगा फ्रॉम मुंबई सिटी। कारे जोड़ का झटका धीरे से लगा। He's devil. Shut up. I'm not devil. मैं इंटरपोल का ऑफिसर धर्मेंद्र हूँ। ये बिल्ला है। मैं ऑर्डर देता हूँ इसे गोली मार दो। धर्मेंद्र, हम जान चुके हैं कि तुम ही डेविल हो। तुम बच नहीं सकते। सरेंडर। ये रंगा का प्लान था। बिल्ला की डेड बॉडी का इस्तेमाल करके तुम्हें ये समझने पर मजबूर करना कि रंगा मारा गया। और जब तुम रशीद के साथ डील कर रहे थे, वो सारा का सारा एविडेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अपनी बंदूकें फेंक दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। थैंक्स रंगा। कम ऑन बॉयज, राउंड देम अप। तुम समझी हमरा खेल खत्म? अरे हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। ऐसा क्या? अच्छा अब तो जवाब दे दो। पहले सवाल तो पूछो। मेरे साथ मुंबई चलोगे? तुम्हें पूरी मुंबई की सैर कराऊंगा। दोस्तों हमें अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहिए। हम फीस वीस नहीं लेंगे, फीस माफ, फ्री। करोड़ों का खर्चा है। नो प्रॉब्लम। सिर्फ स्कूल खोलोगे, कॉलेज नहीं? तुम कह रही हो तो वो भी खोल देंगे, और वो भी एकदम फ्री में। अरे बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ कौनो बात नहीं, पर पैसे सब्सिडी में जमीन मिल ही जाएगी। और बिल्ला के सारे पैसे हमरे हो गए। अच्छा अगर ये खत्म हो गए तो फिर क्या? I will be back.